नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क हादसे में हेडमास्टर की मौत। पिता को देखने जा रहे थे गांव, तभी ट्रक ने लिया चपेट में, फिर 10 मीटर तक घसीटा। जांजगीर चांपा जिले में हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार हेडमास्टर की मौत हो गई है। वह अपने पिता को देखने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। इसके बाद उन्हें 10 मीटर तक घसीटा, इससे हेडमास्टर की मौके पर ही जान चली गई। हादसा कलतरा थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक कटघरी के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अजय कुर्रे 32 वर्ष रविवार सुबह 11 बजे के आसपास अपने बीमार पिता को देखने के पचरी गांव जा रहे थे। वो अभी यहां CCI रोड होते हुए अकलतरा मुख्य मार्ग पर जा रहे थे कि सामने से एक ट्रक आ गया और वह सीधे ट्रक के पहियों के नीचे चले गए। उन्हें मेन रोड में घुसते वक्त पता ही नहीं चला कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और यह हादसा हो गया। ट्रक भी तेज रफ्तार में था, जिसके चलते ट्रक नहीं रुका और करीब 10 मीटर तक हेडमास्टर को घसीटा। बताया गया कि हादसे में अजय कुर्रे के शरीर के कई टुकड़े हो गए, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को भी इस घटनाक्रम का जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक में चावल लोड था। इस चावल को रसिक बिहारी राइस मिल से लोड किया गया था। ट्रक अकलतरा की ओर जा रहा था। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राजा भट्ट से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।